ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जेम स्टोन्स एंड एस्ट्रोलॉजी ये सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 4 आज मैं रिलीज़ कर रहा हूं। तो इस श्रृंखला में पहले हम लोगों ने देखा कि नीलम स्टोन यानी शनि प्लैनेट किन किन लग्न वाले जातकों को नहीं पहनना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा था लाल मूंगा किन लगन वाले जातकों को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और पार्ट 3 वाले सीरीज़ में हमने ये पढ़ा कि डायमंड यानी हीरा किन लगन वाले जातकों को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और बार बार मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप गलत स्टोन गलती से भी ना पहन लें। आप स्टोन ना पहनिए, आप खुश रहिएगा लाइफ में, लेकिन अगर आप गलत स्टोन पहन लिए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, एक अच्छा स्टोन आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करता है। तो इस श्रृंखला को जारी रखते हुए हम अगले जेम स्टोन की बात करते हैं जिसका नाम है पन्ना। पन्ना स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसको हम लोग बेराइल श्रृंखला के बेराइल टाइप का एक पत्थर होता है जिसको हम लोग पन्ना कहते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं। और बेराइल का जो बेसिकली फार्मूला होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड विथ सिलिकॉन ऑक्साइड, तो ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो इसकी अगर हार्डनेस देखिएगा मोहर स्केल पे तो 7.5 से 8 के करीब इसकी हार्डनेस होगी। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.57 से 1.58 के बीच में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखिए, पन्ना जो होता है वो किन किन चीज़ों के लिए पहना जाता है। बेसिकली जैसे वाणी का कारक होता है, अगर कोई अच्छा प्रवक्ता होता है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका बुध यानी पन्ना ज़बरदस्त होगा, उसका मरकरी प्लैनेट बहुत अच्छा होगा, तो वाणी का कारक होता है। दूसरी चीज़ कहा जाए तो इसको स्किन से रिलेटेड डिसीज़ में भी इसका उपाय किया जाता है। और भी बहुत जगह पन्ने का यूज़ किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी इसका देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, पन्ना के रिलेटेड जो भी मैंने बताया था केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट में। तो अब हम ये बात करते हैं कि किन लगन वालों को पन्ना ज़रा सा भी नहीं पहनना चाहिए। अगर पन्ना आपने टच भी कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे दो लगन वालों की मैं बात करूँगा। एक तो अगर हम देखें बृहस्पति का जो लगन होता है धनु लगन, अगर मैं धनु लगन में देखूं तो सप्तम स्थान का जो स्वामी बनता है वो बुध बनता है, और जो कि अति मारक का काम करता है, तो इसलिए इसको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये दशम के साथ साथ सप्तम दोनों स्थान का मालिक होता है। इसको अति मारक तो नहीं कहेंगे, लेकिन मारक का काम ये ज़रूर करेगा। और जनरली इस लगन की कुंडली में जो बुध इस प्लैनेट होता है उसको केंद्र अधिपति दोष भी लग जाता है। तो अस्त कंडीशन को छोड़कर हर कंडीशन में पन्ना को धारण कर सकते हैं। अस्त कंडीशन में होगा तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं, अन्यथा आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि जो पन्ना जो होता है दूसरी लगन कौन सी होती है। तो बृहस्पति की ही दूसरी लगन यानी मीन लगन वाले जातकों के लिए भी यहाँ पर बृहस्पति का जो मीन लगन है वहाँ पर भी आप देखिएगा तो पुनः ये सुख स्थान और सप्तम दोनों का मालिक हो जाता है, और यहाँ पर इसको फिर केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। देखिए, केंद्र अधिपति दोष 100% लगेगा या नहीं लगेगा ये देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ पर उसकी प्लेसमेंट है। अगर खुद केंद्र में बैठा हो या अपने घर में बैठा हो तो केंद्र अधिपति दोष जो है वो समाप्त हो जाता है, नहीं तो यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष लगता है। और इन दोनों ही लगन वाले कुंडली वाले जातकों को निश्चित रूप से जो पन्ना है वो नहीं पहनना चाहिए। बहुत ज़रूरत हो अगर वो पन्ना यानी बुध प्लैनेट आपका अस्त हो चुका है तो बेराइल स्टोन का उपयोग कर सकते हैं। और इसका एक स्पेसिफिक वेट हम लोग पहनते हैं, और इसको चांदी में पहना जाता है और बुधवार को पहना जाता है। और अगर कभी भी वाड़ी में प्रॉब्लम होती है, स्किन में इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन से डिसीजेज होती हैं, तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से आपको गणेश भगवान की आराधना करते रहनी चाहिए, और जिससे कि इसके निगेटिव एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। तो अगले पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि माणिक किसको नहीं पहनना चाहिए और किन लगन वाले जातकों को दूसरे जेम स्टोन्स के बारे में बताऊँगा, जैसे राहू का गोमेद स्टोन हो गया, केतु का लहसुनिया हो गया,
गया और चंद्रमा का जो मोती स्टोन है, किन किन लग्न वाले जातकों को नहीं पहनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।